रेसिस्टेंस हम लोग वहां ट्रेड लगाते हैं, हम लोग ये सबको पॉइंट को कभी भी नहीं देखते। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर ये रेसिस्टेंस है ना, ये रेसिस्टेंस टूटेगा तो यहाँ पे कोई रोकने वाला है क्या? कोई नहीं है ना, उसी हिसाब से भाग भी रहा है ना। कितना पॉइंट्स का रैली आया है? 270 पॉइंट्स, 9% का मूवमेंट। एक दिन दो दिन पकड़ लेते, दो दिन में इतना का मूवमेंट आया है। अब ये मूवमेंट क्या नॉर्मल टाइम में ऐसा मिलता है? नहीं मिलता ना मूवमेंट। हाँ मिला ना, जैसे ये हमेशा अगर यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस होता बैक साइड में, यहाँ पे अगर समझिए कोई रेसिस्टेंस होता ऐसे, ये रेसिस्टेंस जोन होता तो मार्केट क्या करता है? यहाँ पे इस रेसिस्टेंस जोन के पास में आकर प्रॉफिट बुकिंग करता, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाता। चीजों को समझिए, यहाँ से रैली आता, मार्केट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जोन बनाता। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, तो रेसिस्टेंस जहाँ पे है मार्केट, कम से कम हम लोग यहाँ तक उम्मीद कर सकते हैं कि ये कंटिन्यू यहाँ तक कम से कम जाएगा। है ना, ये क्या है इसका रेसिस्टेंस? क्योंकि सपोर्ट था, सपोर्ट टूटा है तो रेसिस्टेंस का काम करेगा, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग तो आएगा। अब यहाँ भी जब मार्केट गिरा, यहाँ पे भी जब मार्केट में ब्रेक डाउन आया था, ये जब गिरा एकदम स्ट्रांग फॉल जब आया, तो प्रीवियस में देखिए कोई इसका सपोर्ट है? तो बड़ा टाइम फ्रेम को लेते हैं, कोई रोकने वाला था इसको जब यहाँ पे फॉल आया था? नहीं था ना, तो इसके वजह से क्या होगा, एकदम तेजी से गिरा। जब मार्केट ऑल टाइम हाई तोड़ता है तो देखते हैं ना, रैली आता है 7-7%, 8%, बड़ा बड़ा रैली आता है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं रोकने वाला, तो मार्केट भी वैसे बिहेव कर रहा है। जब यहाँ से ये रेसिस्टेंस टूटा तो बीच में इसको कोई रोकने वाला नहीं है, तो ये डायरेक्ट ऊपर जा रहा था। अब देखिए, ठीक रेसिस्टेंस के पास जाएगा ना, ये रेसिस्टेंस है ना, रेसिस्टेंस के पास जाएगा तो देखिए यहाँ पे फिर रिवर्सल का उम्मीद हम लोग करेंगे। क्लियर है? क्यों रैली आया इतना बड़ा, क्यों नहीं आ रहा हर जगह रैली? अगर मार्केट को स्पेस मिलेगा तो मार्केट भागेगा, स्पेस ही नहीं मिलेगा तो नहीं भागेगा। क्लियर है?